दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 309 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वह सभी चैनल पर अवेलेबल है। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां युहाओ उस लड़की पर एक जोरदार किक मारता है। वह लड़की काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। फिर हमें जयून को दिखाया जाता है जो कि उठकर खड़ा होती है और अपनी सेकंड सोल रिंग स्किल को यूज करता है जिसका नाम स्टार लाइट साइन था, और वो इस टाइम में काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है। और वो गुस्से से अपने मन में सोचती है, आखिर इस एनवी पसंद की हिम्मत कैसे हुई मुझे सडन अटैक करने की, मैं इस बंदे को कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो तो ये सोच ही रही थी जबकि कुछ ही टाइम में उसकी एक्सप्रेशन पूरी तरीके से हैरानी में बदल जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी स्टार लाइट साइन अटैक युहाओ के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो जयन के ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाता बल्कि वो अपनी तरफ से पूरी पावर को यूज करता है और वो इंटेंटली जयन के काफी करीब पहुंचता है। हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए जूयून को कहता है, यून तुम उसके साथ नहीं लड़ सकती हो इसलिए हार मानो। दाई लोली तो ऐसे ही जूयू को हार मानने के लिए कह रहा था जबकि जून उसके बातों को सुने बिना दोबारा से युहाओ के ऊपर अटैक कर देती है। और उसने इस बारी थर्ड सर्विंग स्किल स्टॉट बस्ट को यूज किया था लेकिन उसकी इस अटैक को देखकर युहाओ बिल्कुल भी नहीं घबराता है। फिर युहाओ राइट हैंड को जून की तरफ पॉइंट करता है और इसी के साथ वो कंट्रोलिंग क्वीन कैचिंग ड्रैगन को यूज करता है। और गाइस युहाओ पहले ही समझ गया था कि जयन स्टारलो एम्पायर की यंगेस्ट प्रिंसेस है और इसके पास कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। और आखिर किसे ही पता था कि जयन मिलिट्री में इंटरेस्टेड होगी, और उससे भी बढ़कर उसने काफी ज्यादा ही मने से मिलिट्री आर्मी में ही बिता चुकी है और वह अभी तक भी अपने घर में लौटने के बारे में नहीं सोच रही है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसने जूयून के ऊपर कंट्रोलिंग कैचिंग क्वीन को यूज कर दिया था जिसकी वजह से जूयून की अटैक स्टार बॉस उसी के तरफ ही मुड़ जाता है और जय की स्टार बस्ट अटैक जयन को ही अटैक कर देता है जिसे देखकर दाइलोली काफी ज्यादा ही घबराते हुए व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है और वो भागते हुए जून के पास जाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है जिसे देखकर युहाओ अपने मन में सोचता है, ये तो सच में काफी बड़ा बेवकूफ है। अगर यह इस लड़की को बचाने के लिए अपने जान देने भी तैयार है तो इसका मतलब तो यही हो सकता है यह इसी टाइम का फायदा उठाकर क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। और गाइस अगर बात किया जाए तो इतना टाइम दाई लोली के साथ रहने की वजह से युहाओ को भी दाई लोली की कैरेक्टर्स पसंद आने लगा था। वैसे तो दाई लोली थोड़ा सा जिद्दी था लेकिन फिर भी दाई लोली काफी ज्यादा ही काइंड पसंद था। फिर हमें उसी स्टार बस्ट अटैक को दिखाया जाता है जो कि दाई लोली और जून को लग नहीं वाला था लेकिन अचानक वो अटैक आसमान में जाकर काफी बड़ा एक्सप्लोड्स अटैक के एक्सप्लोड्स में जयून को दिखाया जाता है जहां पे दाई लोली को अपने सामने देखकर जयून काफी ज्यादा ही शॉक्ड होती है। फिर जब वो युहाओ की तरह मुड़कर देखती है तो युहाओ पीछे मुड़कर जाने लगा था और कुछ ही सेकंड्स में युहाओ काफी दूर निकल जाता है और वह काफी दूर आकर कहता है, क्या तुम दोनों वहां से भागने वाले नहीं हो? अभी अभी हमने आसमान में इतना बड़ा ब्लास्ट करा है और पक्का से ही सभी लोगों ने इस ब्लास्ट को नोटिस कर लिया होगा। और क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि अगर मिलिट्री लॉ डिपार्टमेंट को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली एक बारी जुयान को काफी प्यार से देखता है और वो भी इमीडिएट वहां से युहाओ के साथ भागने लगता है जबकि उस जगह में अब जयन अकेली खड़ी रह गई थी और वो थोड़ा सा हैरान भी थी और आज जो भी हुआ था इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ही हैरान थी। और तो और युहाओ ने बिना सोल पावर और बिना मार्शल सोल को यूज करे उसने कैसे उसकी इतना सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया था। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आर्मी कैंप में लौटने के साथ ही ब्लैंकेट से ढककर सो गया था जबकि इसके कुछ ही टाइम के बाद दाई लली युहाओ की बेड के सामने आकर थैंक यू कहता है और उसे इन दो वर्ड्स कहने के लिए काफी ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा था। फिर युहाओ दाई लोली को देखते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो? मैंने तुम्हें मारा इसलिए तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? तो दाई लोली एम्बेरसमेंट अदा नहीं किया है। फिर युहाओ दाई लोली को कहता है, तो ठीक है तुम यहाँ से जाकर मेडिटेट करो ताकि तुम जितना हो सके उतना जल्दी पावरफुल बन सको और जितना हो सके उतना जल्दी तुम मुझे हरा सको और मेरा पीछा छुटा सको। तो दाई लोली भी युहाओ की बातों को तुरंत ही मान जाता है और वो वहाँ से चले जाता है जबकि युहाओ को इस तरफ कोई भी डर नहीं होता है क्योंकि युहाओ अच्छी तरीके से जानता था कि जयून इन सारे बातों को हेड कमांडर को रिपोर्ट नहीं करेगी। अगर वो इस बात को रिपोर्ट करती है तो वो दाई लोली को भी एक्सपोज कर देगी। उससे भी बढ़कर उसने अभी तक प्रिंसेस वाली बात किसी को भी नहीं बताई है और ना ही उसने सोल मास्टर होने वाली बात को किसी को बताया है और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह बटालियन कमांडर है या नहीं। अगर उसे भी रिपोर्ट करना है तो उसे भी रीजनेबल होना होगा। फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो मेडिटेट करके हुए सारी बातों को सोच रहा था, कैसे युहाओ ने मारा था और उस वक्त युहाओ ने कौन सी मूवमेंट को यूज किया था। वो तो ऐसे ही युहाओ के फाइट करने की तरीके को सोच रहा था लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है, तांग दंग ने जयन को भी हरा दिया था जबकि जयन के पास तो 4 सल रिंग थी और इसका मतलब ये था कि दाई लोली भी कमजोर नहीं था बल्कि तांग दंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। फिर दाई लोली थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, यूर क्या मैं तुमसे और भी पीछे जा रहा हूँ?
और गाइस डाई लोली के ये कहने के साथ ही हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है जयू ने कल के बारे में कुछ भी बात नहीं बताई थी और ना ही उसने किसी को भी रिपोर्ट करा था। सभी कुछ नॉर्मली चल रहा था। फिर हमें एक दिन बाद डाई लोली को दिखाया जाता है जो खुद युहाओ के पास आकर फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिसे देखकर युहाओ कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और वह काफी हैरानी से कहता है, आखिर आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज इतना एनजीएस क्यों दिखाई दे रहे हो। युहाओ की इस बात को सुनकर डाई लोली के चेहरे थोड़ा सा शर्म के मारे लाल होता है और वो सॉफ्टली पूछता है, आखिर तुम आज आ रहे हो या नहीं, जिस पर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि आज किसी को मेरे हाथ से पीटना है। ये कहने के साथ ही युहाओ और डाई लोली ग्राउंड में चले जाते हैं और उस जगह में पहुंचने के साथ ही डाई लोली इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां पे युहाओ के अलावा कोई भी देखने को नहीं मिलता, जिसे देखकर डाई लोली तुरंत ही उदास हो गया था। और गाइस अचानक डाई लोली को ऐसे उदास होता देख युहाओ उससे पूछता है, क्या तुम बटालियन कमांडर जयन को पहले से ही जानते हो, तो डाई लोली भी हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, हमारी फैमिली काफी करीब है, जयन एक काफी प्यारी और सुंदर लड़की है जबकि मैं एक बस टॉट लड़का हूँ, और तो और हम दोनों की स्टेटस में भी काफी बड़ा फर्क है, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे काफी लंबे टाइम से प्यार कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना ही ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, मेरी कल्टिवेशन कभी भी उसके जितना नहीं हो सकता है। डाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ काफी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर युहाओ कहता है, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा ही ऑनेस्ट हो, जिस पर डाई लोली कहता है, मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर हंसोगे, मैं भी यह जानता हूँ कि हम दोनों के साथ होना बिल्कुल ही नामुमकिन है, मैं एबिलिटीज और स्टेटस दोनों के मामले में उससे काफी नीचे हूँ। तो युहाओ उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम इतना ज्यादा यूजलेस हो, तो डाई लोली फिस्ट को क्लेंच करते हुए कहता है, आखिरकार मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, अगर मैं लो लेवल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक लो लेवल का फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, इस दुनिया के लिए सिर्फ मैं एक बाटा डू। डाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ की एक्सप्रेशन तुरंत ही गुस्से में चेंज होता है और वो कोल्ड वॉइस के साथ कहता है, अगर तुम इस तरीके से सोचते हो तो तुम्हारे पास पूरे जिंदगी भर के लिए कभी भी उम्मीद नहीं होगा, तुम तो सच में एक नंबर के कमीने बटा ही हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, बेकार के कचरे, तुम तो सच में एक कचरे ही हो, मैं तुम जैसे कचरे को मारना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम जैसे कचरे को मारकर अपने हाथों को गंदी करना नहीं चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओ वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगता है, जबकि डाई लोली युहाओ को रोकते हुए कहता है, मैं कोई यूजलेस कचरा नहीं हूँ। तो युहाओ कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम कोशिश करने से पहले ही हार मानते हो तो क्या तुम एक यूजलेस कचरा नहीं हो, एक ट्रू हीरो के लिए बैकग्राउंड कोई भी मायने नहीं रखता है, तो क्या हुआ अगर तुम बाटारू, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम किसी दिन टाइटल डोलो बनते हो या ट्रांसेंट डोलो बनते हो तो क्या तुम इसके परवाह करोगे कि तुम एक बबस्त के बेटे हो या तुम एक बटात हो, आखिर कौन लोग इसके ऊपर परवाह करते हैं कि तुम कोई बटात हो या नहीं, तुम्हारे साथ इसीलिए सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो और तुम्हारी हार्ड वर्किंग अभी भी काफी कम है। युहाओ की इस बात को सुनकर डाई लोली स्टंड हो गया था और वो अपने मन में सोचता है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं ट्रांसजेंडर डोलो बनता हूँ तो कौन मेरे आइडेंटिटी के ऊपर परवाह करेगा और कौन ही लोग मेरे ऊपर नीचे देखेंगे। फिर युहाओ शांत होकर कहता है, क्या तुमने इस बारे में सोच बना लिया, तो डाई लोली भी डिटरमाइंड लुक के साथ कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हराने के लिए। तो युहाओ भी नोट करते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम समझ गए, अगर तुम मुझे हरा पाते हो तो मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी बुरी बातें कहा था मैं उन सारी बातों को वापस ले लूंगा, अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो तुम तब तक यूजलेस कचरा रहोगे जब तक तुम मुझे हरा नहीं दोगे। ये कहने के साथ ही दोनों ही ग्राउंड में चले जाते हैं। और गाइस अगर बात किया जाए तो युहाओ को डाई लोली यानी युहाओ की यंगर ब्रदर को सिखाना काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज उसे काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा था। और कुछ ही टाइम में वो दोनों मिलिट्री ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचने के साथ ही डाई लोली काफी ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे जयन पहले से ही उन दोनों के आने का ही वेट कर रही थी। और वहाँ पे जयन को देखने के साथ ही डाई लोली यून नाम से जयन को बुलाता है, जिस पर जू यून कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम मुझे यून नाम से मत बुलाओ, सिर्फ मेरे एल्डर सिबलिंग्स मुझे ये नाम से बुला सकते हैं। जयन की इस बात को सुनकर डाई लोली हिल प्लेस दिखाई दे रहा था, जबकि जयन कल की बैटल को याद करती है जब डाई लोली ने बिना एजिटेटर फिर जयन डाई लोली से पूछता है, क्या तुम दोनों यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए आते हो और आखिरकार इसके साथ क्या है, आखिर यह बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, और तो और इसके पास अभी तक मार्शल सोल भी नहीं है, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जयन की इस बात को सुनकर डाई लोली थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, अगर मुझे इन सारी बातों के बारे में पता होता तो क्या मैं रोज इससे पिटाई खाता। तो जयन कहता है, यूजलेस, आज भी मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा, कल तो मैं थोड़ा सा केयरलेस था लेकिन अब ये चीज उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था क्योंकि वह पिछले एक महीने से युहाओ से पिटते ही जा रहा था। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कोल्ड लुक के साथ जयन को कहता है, मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ,
लेकिन मैं तुमसे सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि आज तुम्हें कल की तरह प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन शील्ड नहीं चाहिए होगी। युहाओ की इस बात को सुनकर जयन गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी युहाओ सडन वहाँ से मूव करता है और वो कुछ ज्यादा ही तरीके से मूव कर रहा था, जिसे देखकर जयन काफी ज्यादा ही हैरान हो गई थी, क्योंकि कल भी युहाओ ने इसी तरीके की सरप्राइज अटैक करा था और अभी युहाओ को ऐसे मूव करता देख वो इमीडिएट रिट्रीट करती है और सेम टाइम में वो स्टार क्राउन मार्शल सोल को भी रिलीज करती है और इसी के साथ व्हाइट लाइट की बीम युहाओ की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है, जबकि युहाओ उसकी इस अटैक को आसानी के साथ में निलीफाई करता है, जिसे देखकर वो थर्ड सोल रिंग स्किल को यूज करती है जिसकी नाम स्टार ब्रश था और सेम टाइम में उसकी और तीन सोल रिंग काफी तेजी में ग्लो करने लगता है और इसे देखकर कहना मुश्किल हो गया था कि अब जयन कौन सी एबिलिटीज को यूज करने वाली है। और गाइस देखते ही देखते जयन की अटैक स्टार ब्रस्ट ब्लास्ट होती है, जिसे देखकर उसे राहत महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि स्टार ब्रस्ट अटैक ने युहाओ को घायल कर दिया होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।